ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है जो आपको मोटर वाहन चलाने की परमिशन देती है। ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी करता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने अपने स्टेट की वेबसाइट में विजिट करना होगा। वहां जाके आप अपना लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लर्नर लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे परिवहन, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये parivahan.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी स्टेट पड़ता है। चलिए मेरा बिहार पड़ता है, हम बिहार ले लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्टलेस लर्नर लाइसेंस इशू होता है ईकेवाईसी के थ्रू, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। 7 स्टेप में आपका यहाँ लर्नर लाइसेंस का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इसमें से आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आते हैं तो जनरल रहने देंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर लर्नर लाइसेंस है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास दोनों नहीं है तो हम ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना RTO सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी RTO पड़ता है। उसके बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और ऑथेंटिकेट विथ सारथी इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ आपका RTO ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम या मिडिल नेम, या अगर कोई लास्ट नेम है तो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको रिलेशन का नाम देना होगा, तो रिलेशन नेम में अपना यहाँ फादर का नेम दे सकते हैं, मदर का भी नेम दे सकते हैं, हस्बैंड का भी नेम दे सकते हैं। चलिए हम फादर का नेम देंगे, तो फादर चूज़ कर लेंगे। या फादर का फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम फिल कर देंगे। उसके बाद फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, यहाँ अपना फुल नेम फिल करेंगे आधार कार्ड के अनुसार। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अब मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे एज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, आप पैदा कहाँ हुए थे। उसके बाद यहाँ से कंट्री आपका इंडिया आ जाएगा। यहाँ क्वालिफिकेशन चूज़ कर लेंगे, आप कितना पढ़ाई किए हैं। अगर आप 8 क्लास पास किए हैं तो यहाँ 8 लिख देंगे, अगर कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ इलिटरेट लिख देंगे, आप मतलब कुछ नहीं रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेंगे, आपका जो भी ब्लड ग्रुप पड़ता है वो यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ लैंडलाइन नंबर अगर है तो यहाँ फिल कर देंगे, ईमेल आईडी यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, इमरजेंसी में कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपके बदन में अगर कोई पहचान है तो वो यहाँ दे सकते हैं, अगर और भी कोई पहचान है तो यहाँ भी दे सकते हैं। दो पहचान आपको देना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस पूरा फिल करना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक विलेज का नाम या हाउस नंबर या पुलिस स्टेशन या लैंडमार्क या लोकेशन या पिन कोड। उसके बाद यहाँ अपने एड्रेस में कितने साल से आप रह रहे हैं वो यहाँ फिल कर देंगे, कितना महीना हुआ वो यहाँ फिल कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस आपका दोनों का सेम है तो यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक करेंगे तो इधर भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको कौन चीज़ का लाइसेंस बनाना है, जैसे कि मुझे मोटरसाइकिल विद गियर, जैसे कि टू व्हीलर ये है तो इसको भी बनाना है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस तीर के ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे फोर व्हीलर का भी चाहिए तो यहाँ लाइट मोटर व्हीकल LMV इसको भी चूज़ करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, मतलब 2+4 मेरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद अभी और मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रैक्टर का भी चाहिए था, अभी हम इसको नहीं बनाएंगे, वो लाइसेंस हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म 1 फिल करना होगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ये इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद यह क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर यस नो पे दे देना है कि आपको बीमारी वगैरह है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कम दिखा देता है, कि आपको मिर्की का बीमारी है, अगर है तो ये यस पे करेंगे वरना नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आपको ड्राइविंग करते वक्त पूरा फिट फाट दिखाई दे पड़ता है या नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो यस पे क्लिक करेंगे वरना नो पे क्लिक कर देंगे। इन सब का क्वेश्चन आंसर यस नो पे दे देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिर ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से हम बैक आएंगे, उसके बाद यहाँ हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ से इसको आप ओके कर देंगे, आपका ये एक्नॉलेजमेंट है, इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे। चलिए इसको हम बाद में प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप हो गया है, आप सेकेंड स्टेप में हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, सेकेंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, तो अपलोड करने के लिए ये टिक किया हुआ है और यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ डिटेल्स खुल के आ जाएगा, इन सबको देख लेंगे, ठीक ठाक अगर है तो यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ से कौन चीज़ अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ चूज़ कर लेंगे। चलिए एज प्रूफ लेंगे यहाँ से हम, और एज प्रूफ में आप क्या अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से देख लेंगे। इसमें SLC सर्टिफिकेट जो स्कूल की तरफ से मिलता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इंडिया पासपोर्ट भी दे सकते हैं, पेन कार्ड भी दे सकते हैं। चलिए हम पेन कार्ड चूज़ करेंगे और यहाँ पेन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, यहाँ इशू बाई किसके तरफ से इशू किया गया है पेन कार्ड वो यहाँ फिल कर देंगे, और यहाँ कॉन्टैक्ट अगर है तो यहाँ दे देंगे। उसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे, तो यहाँ अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी फोल्डर में रखा हुआ है आपका पेन कार्ड उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा पेन कार्ड दिखेगी, ये वाला मेरा पेन कार्ड है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो पेन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेन कार्ड यहाँ पर अपलोड होने लगेगा। देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पर पेन कार्ड आ गया है, इसको हम यहाँ व्यू करके भी देख सकते हैं, या फिर कन्फर्म कर देंगे तो यार सक्सेसफुली अपलोड ये हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने कंफर्म कर दिया तो ये भी देखिए यहाँ पे टिक आ गया है, मेरा पेन कार्ड अपलोड हो गया। आप फाइल टाइप में किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, JPEG, JPG या PDF में भी कर सकते हैं, 500 के भी से कम होना चाहिए। चलिए हम एज प्रूफ दे दिए, अब मुझे एड्रेस प्रूफ में अपलोड करना है, तो यहाँ एड्रेस प्रूफ पहले हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ अपना डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको कर भी सकते हैं नहीं भी फिल कर सकते हैं। चलिए इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में भी आधार कार्ड आपका रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो आपका यहाँ आधार कार्ड आ जाएगा। इसको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड होने लगेगा। जैसे कि देखिए मेरा यहाँ अपलोड हो गया है, यहाँ व्यू करके हम इसको देख भी सकते हैं, या कन्फर्म कर देंगे तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। देखिए हमने कन्फर्म कर दिया तो नीचे अभी यहाँ देखिए दोनों मेरा अपलोड हो गया है, पेन कार्ड भी हो गया है और आधार कार्ड भी हो गया है। ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और देखिए आपका यहाँ सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। अब आपका थर्ड स्टेप में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो इसमें टिक किया हुआ है, हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो नीचे आएंगे, यहाँ से अपना हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर में भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो का 20 KB से कम आपका फ़ोटो होना चलिए, मेरा ज़्यादा साइज़ है तो इसको पहले हम कंप्रेस कर लेंगे। इसी तरह यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, ये भी 20 KB से कम, तो यहाँ सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी फोल्डर में सिग्नेचर रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो सिग्नेचर आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए पहले हम फ़ोटो कंप्रेस कर लेते हैं, उसको पहले हम अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे फ़ोटो अपलोड करने के लिए। चलिए हम ब्राउज़ कर लेते हैं, जिस फोल्डर में भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरा डाउनलोड में है, यहाँ से हम मिनिमाइज किए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अपलोड एंड व्यू फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे फोटो और नीचे सिग्नेचर आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो आ जाएगा, पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए थर्ड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा, तो इसमें टिक किया हुआ है, हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ मोटरसाइकिल, देखिए मोटरसाइकिल विद गियर, इसमें आपको 150 रुपये का फी अमाउंट लग रहा है और टोटल आपको 150 रुपये, और लाइट मोटर व्हीकल फोर व्हीलर का आपको 150 रुपये लग रहा है, और यहाँ देखिए LL टेस्ट स्लॉट 50 रुपये है, और रोड सेफ्टी 50 रुपये है, सर चार्ज 150 रुपये,
उसके बाद देखिए एलएल में भी सर चार्ज ₹150 और फीस टोटल मिला करके आपको ₹740 पे करना है। तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन सी से पेमेंट कराना चाहते हैं। चलिए हम ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंट सिस्टम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका पेन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको इस साइड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप नीचे आएंगे यहाँ पीरियड ईयर में आप चूज़ कर लेंगे 23-24 और यहाँ पीरियड में आप चूज़ कर लेंगे एनुअली या वन टाइम भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ई पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन बैंक से आप पेमेंट कराना चाहते हैं। चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कराना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करा सकते हैं या UPI से भी करा सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग करेंगे तो SBI नेट बैंकिंग इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। नीचे आएंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ 60 सेकंड के अंदर मुझे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आप खुद से रिडायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए हम वेट करेंगे, मुझे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दिया है, मुझे यहाँ वेट करना है कुछ नहीं। इसमें हम ब्राउज को रिफ्रेश भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। यहाँ क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से अपना एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह का पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। चलिए इसको हम PDF में सेव करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसी साइड में आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फिर से पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा, आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा। देखिए 4 स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको LL स्लॉट बुक करना होगा। जिस दिन भी आप अपना ऑफिस RTO ऑफिस जाना चाहते हैं उस दिन का आपको एक स्लॉट बुक करना होता है, जिसको अपॉइंटमेंट कहते हैं। चलिए उसको हम बुक करेंगे। तो मेरा यहाँ इसमें टिक लगा हुआ है, हम यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, अब आपका पूरा डिटेल्स पर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू बुक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी सीट अवेलेबल है ये वो यहाँ पे ग्रीन है और जो सीट अवेलेबल नहीं है वो रेड है और जो ब्लू है वो हॉलीडे है। तो आप इसमें अपना देख सकते हैं पूरा डेट, अभी लगभग मेरा खाली ही है। तो जो भी डेट का आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 8 तारीख कर लेंगे, तो यहाँ 8 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए आप टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम 10:30 से 12 बजे का ये टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ बुक स्लॉट इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका पूरा डिटेल्स आपके सामने एक बार फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा जो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है, उसको यहाँ डालेंगे और कन्फर्म टू स्लॉट बुक इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे स्लॉट बुक हो जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और UID नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एक QR कोड भी जनरेट हो जाता है आपके सामने। आपका यहाँ नाम, आपका फादर नेम, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास 30 मिनट का समय है, जो 8/5/2023 को 10:30 से 12 बजे के बीच आपका स्लॉट बुक हुआ है, तो इसके बीच में आपको वहाँ पे हाजिर होना है। चलिए इसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक करेंगे। तो इसको भी हम चलिए PDF में सेव करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर इसी पेज में आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ से आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। देखिए आपका सारा का सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और आपको RTO जाना होगा। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट RTO लेवल। आपको RTO जाकर जैसे विजिट करेंगे काउंटर नंबर 3 में आपको पहुंचना है वहां पे और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले आना होगा उसमें पूरा यहां पे दिया गया है, इन सबको आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके उसी को लेके जाएंगे। साथ ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और ब्लड ग्रुप भी लेके जाना होगा। उसके बाद आपको ये Form 2 है, इसको भी डाउनलोड करके रख लेना है, रख करके इसको भी लेके जाना होगा। तो चलिए इसको भी हम PDF में सेव कर लेंगे या फिर डाउनलोड यहीं से कर लेंगे, इसको हम PDF में सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आपको 8 तारीख को Form 1 और Form 2 और एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट और जो आप स्लॉट बुक किए उसको और पेमेंट रिसिप्ट को, इन सब को लेकर के और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस अगर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिए थे तो उसका भी सर्टिफिकेट, अगर नहीं दिए थे तो कोई बात नहीं, और 2-4 फोटो
के साथ आपको अपना RTO ऑफिस पहुंचना है। जो भी आप अपॉइंटमेंट में बुक किए हैं, जो भी डेट जो भी टाइम का किए हैं, उसी हिसाब से आपको पहुंचना है। वहां आपका सिग्नेचर लेगा, फोटो लेगा और आपका लर्नर लाइसेंस इशू कर देगा। सो इसी तरह से आप अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्नर लाइसेंस बनने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। तो जब लर्नर लाइसेंस आपका बन जाएगा, उसके एक महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।